से अधिक समय से चली हड़ताल आज खत्म हो गई है। राजभवन के समीप इन लोगों का जो हड़ताल था ये आज खत्म हो गई है। जो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और विधायक सुदीप्य कुमार सोनू ने आज इन लोगों की हड़ताल जो थी वो खत्म करवा दी है। इन लोगों की जो मांगे थी स्थायीकरण की और वेतन वृद्धि की, तो आइए जानते हैं उनसे कि आखिर मंत्री महोदय ने उन्हें क्या आश्वासन दिया कि जो उन्होंने उनकी हड़ताल जो आज खत्म हो गई। ठीक है सर, आज आप लोगों की हड़ताल जो है वो खत्म हो चुकी है, आखिर क्या क्या मांगे थी आप लोगों की, सबसे पहले तो ये बताइए। हम लोग का जो मांग था पांच सूत्रीय मांग में हमारा था कि हटाए गए लोगों को जो 2018 में हटाया गया है उन लोगों को वापस रखने का चिट्ठी उस समय भी निकला था लेकिन वापस नहीं ले। मर्ज वाला विद्यालय का मानदेय नहीं मिल रहा है, उसको मानदेय का भुगतान किया जाए। और उसमें खास करके जो दो मांगे था हमारा, जो इसको नियमितकरण किया जाए रसोईया संयोजिकाओं को और वेतन के साथ जोड़ा जाए, न्यूनतम वेतन के साथ। इस पर जो सहमति बनी सरकार के साथ नियमित करने के लिए सहमति बन गई कि 60 साल तक सेवा शर्त नियमावली बना लिया जाएगा और आपको 5 लाख का बीमा के लिए भी राशि कितना होगा अभी हम तय करेंगे, लेकिन ये मान ली है सरकार। और उसके बाद साल में 2 बस देने के लिए सरकार मान ली है। और उसके बाद जो है हम लोग को अप्लाई करने का भी उसमें जगह दिया जाएगा और किसी तरह घटना दुर्घटना पर इलाज से भी व्यवस्था किया जाएगा, ये चीज़ें मान ली हैं जो मुख्य मांग था हमारा। और बाकी जो मांगे हैं जो विद्यालय को व्यवस्था करने के, विद्यालय को व्यवस्थित करने का, उन मांगों पर हम लोग फिर से बातचीत होगी और उस पर बोले हैं कि उस पर भी हमारा मेरा चिंता है कि विद्यालय को बेहतर कैसे किया जाए, तो उसके लिए वो तैयार है। तो ये हमें संतुष्ट लगा कि बहुत अच्छा सबसे बड़ा सकारात्मक लगा कि इनके पास जब हम लोग 25 तारीख को गए थे मुलाकात किए, शिक्षा मंत्री भी आए थे और बैठ के बातचीत किए, बात बहुत बढ़िया से सुने हम लोग, पूरी गिरवांश को इन्होंने सुने और सुनने के बाद जो पहल लिए वो, इसीलिए हम लोग का भरोसा बहुत ज्यादा बन रहा कि हमारा काम होगा, मांग मिलेगा। तो शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, शिक्षा मंत्री और सुरभि कुमार सोनू जी आए थे तो उनका क्या कहना है, कब से आप लोगों की जो मांगे वो पूरी हो जाएगी? असल में उनका जो कहना है प्रक्रिया करने में समय लगेगा और ये बात हम लोग भी मानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो नियम बदलना है तो नियम बदलने में तो समय लगेगा। वो सचिव को जिम्मेवारी दिया जाएगा, सचिव नियम तैयार करेंगे, फिर हम लोग को एक प्रति दिखाया जाएगा, ये दुर्गा पूजा के बाद हम लोग को दिखाएंगे प्रति और बैठ करके और सहमति बनेगी और उसके बाद जो पास किया होगा कैबिनेट में तो फिर ये टाइम लगेगा और टाइम लगेगा, उसके 2 महीना टाइम मांगे हैं तो हम लोग इतना समझते हैं कि प्रक्रिया करने में 2 महीना टाइम लगेगा, हम लोग को देना चाहिए तो 2 महीना में कम्प्लीट कर लेंगे हम लोग विश्वास है और 2 महीना के बाद हम लोग को मांग मिलेगा। तो और भी कई जो हड़ताल कर्मी है, आइए जानते हैं उनसे कि आज कितने दिनों से वे लोग हड़ताल कर रहे हैं। आप लोग कितने दिनों से हड़ताल कर रहे हैं? 2 महीना 2 दिन आज हो गया। इतनी दिक्कतों का सामना करना, बहुत दिक्कत का सामना पड़ता है, बाल बच्चा कैसे खिलाए, 40-45 रुपए हम लोग बच्चा कैसे पाल लेंगे सर बताइए, मेरा आप दिन भी नहीं है ना बेटा, मेरा 2018 से वेतन भी नहीं मिला है, 12 टीचर अकेला बच्चा को अकेला देने के कारण मारपीट किया और तुमको काम कर, तुम कतरो काम कर एक तरफ सोंटी बना के नहीं भेजा, तुम करो ना, हमने पैसा डाले तुम अपने भागेगी हटेगी करके, बस कोरोना में खाना पीना सब बनाए, फिर भी मेरा 2018 से मेरा वेतन अभी तक नहीं डाला है, एक भी महिला मेरा बाल बच्चा का खाना पीना सारा चीज है, कोई जान ना तेरा कमाई नहीं है सर, कैसे मैं घर चला रहा हूं, जान रहा छोटे छोटे बच्चे मेरे बच्चा लोग आइए सर, मेरा घर देखिए, मेरे स्कूल आके देखिए कैसा मेरा घर स्थिति खराब है सर। आपने सुना की 2018 से इन्हें वेतन नहीं मिल रहा है तो इन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आइए जानते हैं इनसे कि आखिर कितनी दिक्कतें हुई इतने दिन। हम लोग को 2 महीना 2 दिन हो गया यहाँ पर, 29 जुलाई से हम लोग धरना दे रहे हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा हम लोग को, अपना बाल बच्चा पूरा परिवार को छोड़ के यहाँ पर रात दिन रहना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग को भी लगता था कि हम लोग का बाल बच्चा के साथ हम लोग त्योहार मनाए लेकिन कभी हम लोग ऐसे करने नहीं सके, लेकिन आज उम्मीद जब हमारे माननीय विधायक जी आए और हम लोग से जो बात कहे तो हम लोग को लग रहा है कि हम लोग का मांग जरूर पूरा होगा, इसीलिए हम लोग को पूरा विश्वास लग रहा है कि 2 महीना का हम लोग को टाइम दिए हैं, 2 महीना तक में हम लोग इंतजार करेंगे, हम लोग का मांग जरूर पूरा होगा, यदि हमारी मांग पूरी नहीं होगी 2 महीना के बाद हम लोग का बात नहीं बनती है, वहाँ से हम लोग का सकारात्मक बात नहीं आता है तो हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे। मेरा नाम ज्योति देवी, झारखंड प्रदेश विद्यालय। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है इन्हें, आइए जानते हैं कि आज ये कितनी खुश है, इतनी दिनों तक इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आज जो शिक्षा मंत्री थे उन्हें आश्वासन देके गए आप लोगों को, तो कैसा लग रहा है? जी खुशी तो है लेकिन मैं
पूरी तरह से खुश भी नहीं हूँ। जब तक हमारा मांग यानी समय जो मांगा गया है दो महीना के अंदर अगर हमारी समस्या का समाधान हो जाता है तब हमारी पूरी खुशी होगी। जिस तरह से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पारा शिक्षक को दिया गया है अगर उस तरह से हमें दे दिया जाएगा तो हम खुशी मनाएंगे। जिस हमें आंगनबाड़ी लोग जो ढोल नगाड़ा बजा करके आभार व्यक्त किए हमारे मंत्री जी को, शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी को, उसी तरह से हम लोग भी मांग का अगर पूरा कर दिया जाएगा तो उससे भी ज्यादा हम लोग ढोल नगाड़ा बजाएंगे। हम जो मांग को लेकर के बैठे हुए हैं वो मांग जो दो महीना से आज दो महीना दो दिन हो गया और मैं आग्रह करती हूँ कि जो सुदीप कुमार सोनू जी ने जो हमसे बात किए, हमारी कमेटी से बात की, हमें वादा किया मंच पर आकर के, तो मैं आग्रह करती हूँ कि आप इन जो वादा किए वो पूरा करें, अन्यथा तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो आपने सुना कि जो विधायक जी थे उनके कहने से ये अभी तक संतुष्ट नहीं है, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक दो महीने से आप लोग हड़ताल पर हैं, तो इनसे जो विद्यालय में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों को मिड डे मील नहीं ले रहा, तो इससे भी उन लोगों को भी काफी दिक्कतें हो रही है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? अभी तक हम लोगों ने दिक्कत तो नहीं की है स्कूल में, क्योंकि हमारा जो आंदोलन चल रहा है अभी, तो उसमें हम लोग क्या हर प्रखंड से, जिला के हर प्रखंड से क्रमबद्ध हम लोग यहाँ पर आते हैं। जैसे हर जिला से एक प्रखंड आएगा, जिस दिन उसका डेट मिलेगा उस डेट को यहाँ धरना के लिए आएंगे 200 लोग को लेके, हाँ, और यहाँ धरना देंगे। इससे क्या है कि हम जो धरना में आते हैं हम लोग विभाग में पहले से ही हम लोग देके रखते हैं कि हम जिस दिन जाएंगे वहाँ धरना में उस दिन का व्यवस्था मास्टर वहाँ व्यवस्था करेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ धरना में रहेंगे। हम लोग इसी तरह से क्रमबद्ध हम लोग धरना में इतने दिन तक हम लोग चलाए हैं, दो महीने दो दिन तक, और अभी तक हमारे बच्चे को भूखा नहीं रहना पड़ा है, पका हुआ भोजन ही मिला है अभी तक। और हम लोग जानते हैं कि हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो गरीब के बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं, हम उसके साथ में ऐसा नहीं करेंगे कि वो हमारा बच्चा जो भूखा रह जाए, क्योंकि वो गरीब का बच्चा, उसके माँ बाप अपनी रोजी रोटी के लिए चल जाते हैं और स्कूल भेजते हैं कि जाओ बच्चा वहाँ पढ़ाई भी होगा और खाना भी पकता, आपको पेट भी भरेगा। इसीलिए हम लोग भी जानते हैं कि वो जो गरीब का बच्चा है वो हमारा बच्चा है, हम कैसे बंद करेंगे, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि आज आश्वासन के बाद आप लोगों की हड़ताल आज खत्म हो जाएगी? आश्वासन तो मिला है, अब आश्वासन तभी हम एक इसको सच मान सकते हैं जब हमारी मांगे को माना जाएगा, आने तो आश्वासन देने के बाद तो एक उम्मीद जगी है कि हमारी भी मांग पूरी होगी, जैसे कि आंगनबाड़ी का हुआ है, सहिया का हुआ है, पुलिसकर्मी का हुआ है, तो हम में भी एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि हमारी मांग भी मानी जाएगी। आज जिस दिन हमारी मांग मानी जाएगी उस दिन हम भव्य स्वागत करेंगे। कुल कितने लोग यहाँ पर हड़ताल में रहते हैं? एक दिन में 200 हम लोग हड़ताल में, हम लोग धरना में, अनशन धरना, हम लोग यहाँ 200 से ऊपर ही रहते थे, 200 210 20 ऐसे 30 इस तरह से हम लोग यहाँ धरना में रहते थे। आज आश्वासन के बाद क्या आज आप लोगों का धरना खत्म हो जाएगा? आज खत्म हो गया सर आश्वासन से, और हम लोग का जो आज का जिसका डेट है यहाँ धरना में ना, वो लोग दूर से आ रहे हैं, दूर से दूसरे जिला से आ रहे हैं, तो हम लोग आग्रह किए ये विधायक जी से कि जो लोग आ रहे हैं उसको रहने के लिए तो यहाँ हमको देना होगा ना, इसीलिए आज हम लोग टेंट नहीं कबाड़ेंगे, हमारा धरना आज खत्म हो गया लेकिन हम लोग जाएंगे कल। क्या 2400 जिलों से जो रसोईया संघ के जो आपके कार्यकर्ता थे वो आते थे? आते थे सर, 2400 जिला से हमारे आते थे, लेकिन बारी बारी से हर कोई को डेट मिला था कि किस जिला को किस दिन आना है, उस जिला के प्रखंड को किस दिन आना है, माने जैसे मान लेते हैं कि रांची जिला में 18 प्रखंड है, तो 18 प्रखंड का लिस्ट बना हुआ था कि इस डेट को रांची प्रखंड का कौन कौन प्रखंड आएगा, ऐसे एक एक प्रखंड को एक एक दिन आना था,
इस तरह से क्रमबद्ध हम लोग इतने दिन तक आंदोलन को चलाए हैं और हम लोग आज जो गिरिडीह के माननीय विधायक जी आए तो उनसे हमको उम्मीद जगी है, जो उन्होंने कहे कि आप झारखंड की माँ बहन है तो आपकी आंसू जो है टपकेगा तो हमको दर्द होगा। उन्होंने ऐसा कहा तो हमें उम्मीद जगी है, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले भी बहुतों का मांग को पूरा किया है और हमको उम्मीद है कि हम जो दो महीने से यहाँ हम बैठे तो आज जो आके आश्वासन दिए हमारे भी मांग पूरा करेगा। और अगर वो हमारे साथ छलावा करते हैं, अगर झूठ बोले होंगे, छलावा कर रहे होंगे, तो दो महीने के बाद हमारा पैर हाथ तो बांधा हुआ नहीं रहेगा ना, तो फिर हम दो महीने के बाद ना हम फिर आंदोलन में उतरेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ। और ये आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना किए गए, जो विधायक जी कहे हैं वो आप लोगों की मांगे जल्द से जल्द पूरी। सर, इसके लिए तो हम लोग बहुत ही खुश हैं कि बहुत 18 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और आज उम्मीद जगा है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने हमारी जो समस्या है वो जन जन तक पहुँचाए है, सरकार तक पहुँचाए है, और आज आप लोग के चलते ही हमारी मांग को भी मिल रही है। इसीलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी चैनलों के। तो आपने सुना कि जो सरकार के जो प्रतिनिधि थे वो आकर रसोईया संघ के जो लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, उन्हें आश्वासन दिया है। सुदीप कुमार सोनू जो कि गिरिडीह के विधायक है वो आकर इन्हें आश्वासन दिया है, इनकी जो पांच सूत्री मांग थी उन्हें पूरी की जाएगी और इन्हें पूरा विश्वास है कि दो महीने के अंदर इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाए और ये सरकार को धन्यवाद अर्पित कर सके। अपने सहयोगी नवीन के साथ प्रोजेस न्यूज 22 को प्राची।